कैसा लग रहा है दिल्ली बिना केजरीवाल का? बिना केजरीवाल का बड़ा अच्छा लग रहा है। इसको जेल में फांसी होनी चाहिए जाके, इसको समझा नहीं, इसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। गरीबों के मसीहा कहते हैं, मसीहा नहीं है, चोर है सबसे बड़ा। इस जैसा आदमी जो है ना इस देश को बेच खाएगा तब भी पता नहीं लगेगा आपको, क्योंकि केजरीवाल केजरीवाल ने खुद कहा था कि मैं भ्रष्टाचार करूंगा तो मेरे को भी जेल में बंद कर देना। इसने कहा था कि मेरे कोई भी नेता भ्रष्टाचार करेगा वो बंद कर देना। आज आज वो सारे बंद है, अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी की। भाई साहब, हम जेल में रहें या बाहर रहें, हम जनता की सेवा करके मानेंगे। उन्होंने तो बना दिया लोगों को पंगू, 1000 रुपए ये बिजली में देंगे, इसमें क्यों फ्री देना है? बस में तो फ्री चढ़ते हैं आप लोग? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, नहीं चढ़ते। मैं वैसे भी योगी के राज्य में रहती हूँ। मोदी जी को तानाशाह कह रहा है पूरा विपक्ष। तो तानाशाह तो आप एक फैमिली में रहते हैं, आपके फादर स्ट्रिक्ट हो जाए, देखिए उनको भी आप कहिएगा। स्ट्रिक्ट जरूरी है ना, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन तो जरूरी है। लगातार हम आपको दिल्ली की जनता का राय आप तक पहुंचा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के जाने के बाद इस बार का जो होली है वो कैसा होने वाला है, लोग कितने खुश हैं, नाराज हैं और उनके दिल में क्या है। सबसे पहले मैम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम रागिनी। रागिनी जी, आपके मुख्यमंत्री साहब जेल चले गए, आप लोगों को तो दुख हो रहा होगा अंदर से? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत खुशी हुई और रात हमने ताली बजा के स्वागत किया जब पता चला वो जेल जा रहे हैं, क्योंकि जब उनका अन्ना हजारे का आंदोलन हो रहा था उस टाइम हम लोगों ने बहुत अपने जितने भी लोग थे सबको जमा करके मतलब वहाँ गए उनके आंदोलन में सपोर्ट करने। और हमें एक उम्मीद थी कि जैसे नायक फिल्म में अनिल कपूर ने किया है कुछ बदलाव लाएगा, ये भी लाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब ये फिर तो ये जो और पॉलिटिशियंस हैं उनकी तरह ही ये भी हो गए। हाँ, पहले क्या सोचे थे कि अरविंद केजरीवाल कैसे अलग होंगे? मुझे लगा वो जनता के बीच से जा रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि जनता का क्या जरूरतें हैं, उनका क्या दिक्कतें हैं, वो उसके लिए सोचेंगे, सिर्फ अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं सोचेंगे। सोचे थे कि पढ़े लिखे हैं तो कुछ अलग करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए, लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, ये जो जेल गए हैं, कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि 100 करोड़ का शराब घोटाला कर दिया उन्होंने, आपको लग रहा है कि अब मामला सही है? 100 करोड़ ना भी हो लेकिन कुछ ना कुछ तो है ही। हाँ, उन्होंने शराब तो होगा। बिल्कुल, उन्होंने शराब की जो नीति बनाई फिर वापस लाए, तो एक तो शराब शब्द से उन्हें नफरत होनी चाहिए थी, और फिर उन्होंने ऐसा किया कि इसमें दे दे रहे हैं डिस्काउंट, इसमें ये कर रहे हैं, एक पे एक फ्री था, एक बोतल पे एक। हाँ, जो भी है मुझे उतना पता नहीं है, और फिर हर जगह उन्होंने नया नया खोल दिया। हाँ, तो इस वजह से, इस वजह से। अच्छा, वो कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक है और नरेंद्र मोदी हमसे चिढ़ते हैं, वो चाहते थे कि केजरीवाल जो हमारे सामने ना टिके इसलिए हमें अंदर करवा दे। नरेंद्र मोदी के पैरों की धूल भी नहीं है वो, इसीलिए वो तो मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कर रहा है तुलना उनसे तो कहाँ नरेंद्र मोदी और कहाँ वो। नरेंद्र मोदी से कोई तुलना नहीं है केजरीवाल, कुछ बिल्कुल भी नहीं है। नरेंद्र मोदी का आप हिस्ट्री, लाइफ का हिस्ट्री देख लीजिए, उन्होंने जितना तप किया, जितना उन्होंने अपना सब कुछ किया है, संघर्ष किया है, एक्चुअल में उन्होंने किया है, और इसने क्या किया, अन्ना हजारे के कंधे पे चढ़ के और क्या कहा था, हम बच्चों का कसम खा रहे हैं, कभी कुर्सी नहीं लेंगे, ठीक है, कभी राजनीति में नहीं आएंगे, कभी लाल बत्ती नहीं लेंगे। आज पता चल रहा है पता नहीं कहां से पर्दे आ रहे हैं उसके घर के, ठीक है, तो फिर क्या कंपैरिजन है। नरेंद्र मोदी साधु आदमी है, संत आदमी है भाई, वो बच्चे से लेकर के और तो ये तो नेता है, नहीं नेता नहीं है, एकदम अरविंद केजरीवाल का जो है सो छाल उतार रहे हैं आप, ये हिंदुस्तान की आम जनता की आवाज है, एक्चुअली एक्चुअली ये आवाज है आम जनता की, आम जनता की आवाज है। ये लोग कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी की, भाई साहब हम जेल में रहें या बाहर रहें, बाहर रहे या जेल में रहे, हम जनता की सेवा करके मानेंगे। क्या सेवा कर रहे हैं ये लॉलीपॉप देने? एक बात बताइए, उन्होंने तो बना दिया लोगों को पंगू, 1000 रुपए ये बिजली में देंगे, इसमें क्यों फ्री देना है? हाथ पैर सलामत है, मेहनत फ्री नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। बस में तो फ्री चढ़ते हैं आप लोग? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, नहीं चढ़ते। मैं वैसे भी योगी के राज्य में रहती हूँ, हम योगी जी के हैं वैसे। अच्छा अच्छा, वैसे एक बात देखिए कि वो कह रहे हैं कि हम सरकार जेल के अंदर से ही चलाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी हमारे पीछे नेता पड़ जाए, लेकिन हम जैसे सरकार दिल्ली के बाहर से चला रहे थे वैसे जेल से चला पाएंगे। आपको लग रहा है कि एकदम दिल्ली अब जेल से ही चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी, कुछ कानून नाम का चीज भी होता है। हाँ, कुछ है, जो भी सिस्टम है वो सारा कुछ है ही। अच्छा, अरविंद केजरीवाल हो चाहे पूरी आम आदमी पार्टी हो,
वो बना ही था एक परिवारवाद की राजनीति को खत्म करने के लिए, न्याय के लिए बना था, ईमानदारी के लिए बना था। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल वो मुख्यमंत्री बनेगी और वही वो कुर्सी पे बैठ रहेगी। आज उन्होंने किससे कहलवाया? हाँ। अपनी चिट्ठी भेजी अपनी वाइफ किसे? हाँ। क्यों नहीं उस दूसरे अतिशी या जो भी उनके जो कार्यकर्ता हैं? हाँ। उनसे क्यों नहीं पढ़वाया भाई? क्यों आया उनकी फैमिली? क्यों आई वाइफ? क्यों सामने आई? आज तक तो नहीं आ रही थी। हाँ। आज एक वो लेने के लिए आई है ना, तो परिवारवाद यही करेंगे। अगर केजरीवाल की पत्नी अगर यदि वो सीएम बननी चाहिए, एक्सेप्ट नहीं करूंगी मैं तो योगी जी को लेके बैठी हूँ, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, हम तो योगी जी के राज्य में रह रहे हैं। मेरे को एक बात बताओ, केजरीवाल जी ने विकास पता क्या किया है? हाँ। ये पब्लिक टॉयलेट है, ठीक हाँ। है, जाके देखो इसमें कि ताले टूटे हुए हैं या नहीं टूटे हुए हैं, ठीक हाँ। है, फ्लश ब्लॉक है या नहीं है, हाँ। और 10-10 रुपए ले रहे हैं सबसे अगर कोई टॉयलेट भी जा रहा है, हाँ। ये विकास है केजरीवाल जी का? हाँ। बसों में किराया फ्री करने का क्या मतलब है? भिखारी बना रहे हैं हमको? मैं इतना अमीर हूँ कि अगर मेरी बीवी कहीं जाएगी या मेरी माँ कहीं जाएगी, पंजाब से हूँ, उनको किराया दे के भेजता हूँ, उनको बोलता हूँ प्राइवेट बस में चढ़ना। पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल की सरकार फ्री के नाम पे ही आई थी, उन्होंने कहा था कि हम सब कुछ फ्री करेंगे। पंजाबी भिखारी नहीं है कि उनकी बिक के लिए आएंगे? तो जीत कैसे गए? उन्होंने क्या बोला था कि बदला ले आओ, हम महंगाई कम करेंगे, हम ईमानदारी से चलेंगे। उन्होंने इतनी अच्छी ईमानदारी कर दी, पता किन के लिए अच्छे हैं? वो जो एजेंट हैं दो नंबर में आपके पैसे लूट रहे हैं, उनके लिए ईमानदार हैं। मैम प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे आप लोग? 2024 का इलेक्शन बहुत नजदीक। मोदी जी, बस जिंदाबाद मोदी जी। मोदी जी बिल्कुल, ऐसा मतलब क्या कुछ खास हुआ है कि मोदी जी को ही बनाना चाहिए? खास नहीं हुआ, आप देखिए, आप अपने देश के अंदर देखिए, विदेश में देखिए, मोदी जी के नाम ही एक ब्रांड है, ठीक है ना? मोदी जी जहाँ है वहाँ ब्रांड है, हिंदुस्तान का इतना रेपुटेशन। मोदी जी को तानाशाह कह रहा है पूरा विपक्ष? तो तानाशाह तो आप एक फैमिली में रहते हैं, आपके फादर स्ट्रिक्ट हो जाए, देखिए उनको भी आप कहिएगा स्ट्रिक्ट, जरूरी है ना डिसिप्लिन? डिसिप्लिन तो जरूरी है ना बिल्कुल। 10 सालों के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी का सबसे बढ़िया काम कौन सा लगा आपको? विदेश नीति और कोरोना के टाइम में उन्होंने जितना अच्छा काम किया उसका कोई कहीं से तुलना हो नहीं सकता, चाहे कोई भी। कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ ये केजरीवाल के बच्चे फ्री नहीं आई हैं, मैं ये बात कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, और इनके लिए जोरदार ताली। मैं एक बात और, एक मिनट सब लोग रुकिएगा थोड़ा, 2 मिनट। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री इस बार योगी जी को बनाना चाहिए, ठीक है? मोदी जी 2-3 बार बन चुके हैं, पहले 3 बार नहीं बने, 2 बार तो बन चुके हैं, फिर 1 बार का 3 बार कहते हो? अरे यार एक बार मेरी तरफ से लगा लो यार, तो इस बार बना दो, को बना दो योगी को बनाओ इस बार, इस बार योगी को बनाना है। क्यों तुम्हें लगता है कि योगी बनेंगे तो बेहतर होगा? पता क्या बात है, मैं एक बात बताऊं, अगर मैं राजा हूं ना तो किसी और के हक में भी राजा आना चाहिए, ठीक है? उसको भी मौका मिलना चाहिए जो मेरे साथ जुड़ के चल रहे हैं। ये 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा नरेंद्र मोदी का? ठीक था, ना ही ज्यादा बुरा था ना ही ज्यादा अच्छा था, मैं तो यही बोलूंगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यही के रहने वाले हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। कैसा लग रहा है दिल्ली बिना केजरीवाल का? बिना केजरीवाल का बड़ा अच्छा लग रहा है, इसको जेल में फांसी होनी चाहिए जाके, इसको समझा नहीं, इसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बताऊं क्यों? क्यों मिलनी चाहिए सुन लो पहले। इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार ना करो। स्कूल बनाए उसमें भ्रष्टाचार, बस स्टैंड बनाए उसमें भ्रष्टाचार, बस लाया उसमें 1000 बस आनी थी, मोदी जी ने कहा था आधा पैसा मैं दूंगा आधा तुम देना, उसमें पहले ही साठ गांठ कर ली 1000 बसों के लिए कमीशन की, मोदी जी ने कैंसिल कर दी बसें, मोदी अब लाए हैं 150 बसें, और ये हर एक चीज में भ्रष्टाचार करना चाहता है और भ्रष्टाचार कर रहा है ये, और इसको इस जैसा आदमी जो है ना इस देश को बेच खाएगा तब भी पता नहीं लगेगा आपको, क्योंकि केजरीवाल समझा नहीं, गरीबों के मसीहा कहते हैं, मसीहा नहीं है, चोर है सबसे बड़ा। एक बात सुनो, जो आदमी एक ये जो एक बात सुनो, जो आदमी अपने किसको दे रहा है पैसा, किसको दे, किसके लिए दिया है? 45 करोड़ रुपया तो उनने लगा दिया वहाँ पर, क्या नाम है उसमें, गोवा में, और समझा नहीं 55 करोड़ रुपया अपने आदमियों को बांट दिया सबको, समझा नहीं, अपने कोटे में रख लिया, तो इसमें 100 करोड़ रुपया तो ये है, 600 करोड़ रुपया इसके लगाया पैसा उन्होंने केजरीवाल ने, 45 करोड़ रुपया वहाँ पर गोवा में इलेक्शन में, और 45 करोड़ पंजाब में नहीं, और उसने अपने जो है ना अपने उसमें कोष में रखा बाकी पैसा, और उसके बाद ये है कि इसने देखो अब इसकी वहाँ सरकार है, पंजाब में सरकार है सुनो, वहाँ पर इस्माइक
चरस शराब हर एक गली गली के कोने कोने में बिक रही है और वहाँ के आदमियों को बिल्कुल निकम्मा कर दिया है, बच्चों को उनको निकम्मा करता चला जा रहा है। समझानी कोई वहाँ पर कि मोदी अपने आँख के सामने में हमें उभरता हुआ देख ही नहीं पा रहा था इसलिए अरेस्ट करवाया। मोदी क्यों इससे बात करेगा, मोदी पे टाइम रखा है, मोदी तो समझानी भूटान का हुआ था जब जेल में था, नहीं मोदी पे टाइम रखा है ऐसे छोटे से आदमी के लिए बात करेगा है नहीं, ऐसे छोटे आदमी के लिए सोचेगा वो मोदी? अरे वो सोचता है बड़ी बातें, वो छोटी मोटी बातें नहीं सोचता, वो देश के लिए सोचता है। आज उसकी बातें हो रही हैं समझानी अमेरिका के राष्ट्रपति से और क्या नाम है रशिया के राष्ट्रपति से बातें होती हैं उसकी, ऐसे छोटे मोटे आदमी के लिए सोचने में टाइम नहीं है। पूरे देश में नाक में दम कर रखा है केजरीवाल ने मोदी का। एक बात सुनो ना, इन्हें खुद कहा था कि मैं भ्रष्टाचार करूंगा तो मेरे को भी जेल में बंद कर देना, समझे नहीं, इसने कहा था कि मेरे कोई भी नेता भ्रष्टाचार करेगा वो बंद कर देना, आज वो सारे आज वो सारे बंद हैं और वो फिर ये बंद रहेगा, अब ये छूटेगा नहीं कभी, तुम देख लेना। भले ना ही छूटेंगे लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो जेल के अंदर से ही सेवा करके मानेंगे अपने जनता की। अभी एक हफ्ते ठहर जाओ, एक हफ्ते बाद इसके रिमांड खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में जो है ना जेल में नहीं जा सकते कागज कोई भी, ना जेल में जा सकते। आप केजरीवाल के फांसी का मांग क्यों कर रहे थे? फांसी की मांग उसके मैं उसकी नहीं कर रहा हूँ, इन नेताओं को जो भी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो चाहे सपा का हो चाहे किसी चीज का भी हो जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। उसमें पहले नंबर पे केजरीवाल ही आ गया। कोई हो चाहे, मैं केजरीवाल के लिए नहीं कह रहा सिर्फ, मैं पूरे देश के लिए कह रहा हूँ। जैसे कि कोरिया के अंदर आप जाओगे वहाँ पर फांसी की सजा होती है आदमी को, समझे नहीं, कोई भ्रष्टाचार करता है तो ऐसे ही इन नेताओं को कोई भी भ्रष्टाचार करे ना उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मेरा ये है कि नेताओं को, क्योंकि और आम आदमी इतने वो नहीं होते, नेता तो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार करते। सर एक बात बताइए, हम ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता जब इतनी समझदार है और आप लोग कह रहे हैं कि वो बेईमान व्यक्ति है केजरीवाल, तो इतने मतलब बड़े मार्जिन से मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं? मैं बताता हूँ कैसे बना वो। एक मिनट में बताता हूँ। देखो ऐसा था, 100 रुपए बांटते थे पहले, अरे एक पौवा देते थे, इनके आदमियों ने मालूम है क्या करा, इन्होंने 2,000 रुपए बांटे और उसके बाद बांटने के बाद भी जब हारने पे आए ना वो, तो करतार सिंह है एक हमारा क्या नाम है मेहरोली में, उसने 2,000 रुपया उस टाइम और बांट दिया। उसमें वहां पर ब्रह्म सिंह तंवर जीत रहा था, शाम तक 6 बजे तक जीत रहा था, उसके बाद में वहां पर पैसा बांट दिया और वो वोट जो है सारा उसको गया, वो 1,800 वोट से हार गया। तो ये इतना पैसा बांटते हैं कि पूछो मत। कुछ लोग तो ये बात कह रहे हैं कि दिल्ली की जो जनता है, देखो ये इन पे जो है ना और रोहिंग्या सारा बसा दिया इन्होंने लाके यहाँ पर, इन्होंने नहीं बसाया, वो तो आया है वहाँ से। वो तो कह रहे थे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो हिंदू आए वो आतंकवादी, उनको भगाना चाहिए। हाँ तो कौन भाई, अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, उन्होंने तो बसा दिया यहाँ पर, या यहाँ पर क्या नाम है बदरपुर में बसे हुई हैं। बदरपुर में जितने भी रोहिंग्या हैं सब बसे हुए हैं। हिंदुओं की बात कह रहे थे, वो बोल रहे थे वो आतंकवादी हैं सारे। नहीं नहीं, रोहिंग्या जो है ना वो सब बसे हुए हैं यहाँ पर और उनको जो है ना उनको 10,000 रुपए दिया गया है। अच्छा चाचा एक बात बताइए, रोहिंग्या आप बिजली पानी फ्री लेते हैं कि नहीं लेते हैं? कोई नहीं देता, कहाँ देता, हम तो 1,000 रुपए देते हैं हर महीने देते हैं 1,000 रुपए का। हाँ वो तो कह रहे हैं पूरे दिल्ली में फ्री है भाई साहब। एक बात सुनो, नहीं नहीं एक सुनो, हमारे यहाँ तो लमसम है, 1,000 रुपया मेहनत देना ही पड़ेगा हमको, तो चाहे पानी दो चाहे मत दो। फ्री कैसे पूरे दिल्ली में जो ढोल पीट के कहते हैं फ्री? अब बात सुनो किसके लिए है, देखो ऐसा है झुग्गी झोपड़ी वालों को फ्री देता होगा, मैं ये नहीं कहता आपको क्योंकि समझाने को। आपके मुख्यमंत्री हैं वो जेल चले गए, आपको अनशन करना चाहिए, रोड जाम करना चाहिए, जानना चाहिए। कुछ हुआ कोई आया निकल के? कोई नहीं आएगा। अभी पैसा बांट दो उनको, जनता नहीं जाएगा तो हाँ जनता आएगी। अभी बांट दो 2,000 रुपए दे दो सबको यहाँ पर जितने भी खड़े हैं आदमी, अरे हम भी चलेंगे सब चलेंगे तो अभी पहुँच जाएंगे, और नहीं तो कोई बिना पैसे नहीं आता। पैसा लेके जाएंगे अरविंद केजरीवाल लेके? हाँ अरविंद केजरीवाल का जो भी भ्रष्टाचार करते हैं ये इनके लिए जो है ना सजाएं होनी चाहिए बस। ईमानदार व्यक्ति के लिए भी पैसा लेके जाएंगे? ईमानदार के लिए तो वैसे पब्लिक चली आती है, शिकल देखने।